आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना लहसुन बिना प्याज की छोले की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आपने छोले तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, बट बिना प्याज और बिना लहसुन के भी छोले बन सकते हैं, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी बनती है। बिना वीडियो को स्किप करें चलिए स्टार्ट करते हैं और ये यमी यमी छोले बना लेते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल पूजास फूड लैब। तो यहाँ पर मैंने काबुली चने को भिगो करके रख दिया था ओवरनाइट 6 से 7 घंटे के लिए और अच्छे से ये फूल गए हैं। अब ये सारे छोले मैंने ऐड कर दिया है कुकर में और इसे बॉईल करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें मैंने ले लिया है दालचीनी, काली वाली बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। ये कुछ खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता ऐड नहीं किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर लें। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। चना पूरी तरह से भीग जाए इतना पानी का लेवल आप रख दें। अब मैंने यहाँ पर कुकर की लिड लगा करके 3 विसल आने तक का वेट किया है। तब तक आपका जो चना है वो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बच जाए कि चना सॉफ्ट ना हो तो 1 विसल और लगा लें। यहाँ पर प्रेशर डाउन हो गया है, मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा रही हूँ कुकर की लिड को। चना बहुत ही सॉफ्ट उबल करके ये रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मैश कर रही हूँ इसलिए ये मैश हो जा रहा है। तो बस इस तरीके से आपको चने को बॉईल कर लेना है और जो खड़े मसाले हैं वो आप चाहे तो निकाल करके फेंक सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची को निकाल के फेंक दिया है और बाकी के खड़े मसाले भी निकाल दिया है। अब ग्रेवी के लिए ले लिया है मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा पसंद हो इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को बड़े बड़े चंक्स में कट कर लिया है और एक मिक्सी जार में ऐड कर दिया है। ये तीनों इंग्रेडिएंट ऐड कर लेने के बाद एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे और यही छोले का हमारा ग्रेवी बन करके रेडी करेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया है, इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो पेस्ट है वो अच्छे से पिस ना रहा हो तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यह हमारा पेस्ट बन करके रेडी है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें ऐड कर दिया है सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच और यहाँ पर मैं अब ऐड कर रही हूँ जीरा इसको तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। जीरा ब्राउन हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग। तो 1/4 टीस्पून हींग मैंने ऐड किया है, आप इसे ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है और डाइजेशन के लिए भी हींग बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट जिसे हमने पीस करके रेडी किया था और यहाँ पे इमिडिएटली मैं लिड लगा करके रख दूंगी क्योंकि टमाटर की छींटे बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, इस वजह से 1 से 2 मिनट ढक के पका लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून नमक और ध्यान रखें कि हमने छोले को बॉयल करते टाइम भी इसमें नमक ऐड किया था। नमक ऐड कर लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं टमाटर की ग्रेवी में अभी पानी बचा हुआ है, इसे तब तक आपको भुनना है जब तक टमाटर से जो तेल है वो सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए, जितना अच्छा मसाला आपका भुनेगा उतना बढ़िया आपका छोला बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं वापस से लिड लगा करके ढक के पका लूँगी। 2 से 3 मिनट लगभग इसको पकने में लग जाते हैं और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये पक करके रेडी हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से ये आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और टमाटर भी पूरी तरीके से पकना शुरू हो गया है। टमाटर को भुनते भुनते आप देख सकते हैं टमाटर से बहुत ही अच्छे से तेल निकल गया है और तेल अच्छे से ऊपर आ गया है। तो इस स्टेज तक आपको टमाटर की ग्रेवी को पका लेना है। तो यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी पक कर के रेडी है। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले जिससे हमारे छोले बन करके अच्छे से टेस्टी से रेडी हों। अब मैंने ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही ऐड कर दिया है भुने जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे ज़रूर ऐड करें। और साथ ही छोले को कलरफुल बनाने के लिए मैंने ऐड कर दिया है कश्मीरी चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच। इससे आप देखेंगे कि छोले में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखे मसाले डालने के बाद बस आपको 1 मिनट के लिए मसालों को भुनना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भुनना है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मसाला हमारा भुन करके रेडी हो रहा है। तो बस इस तरीके से आप मसाले को भुन लें धीमी आंच पे, इस बात का ध्यान रखें। मसाला भुन करके रेडी हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए छोले। तो इसमें से मैंने खड़े मसाले निकाल दिए हैं और ऐड कर दिया है। छोले में जो पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी ग्रेवी के लिए इसमें पानी कम है और इसमें पानी हम ऐड कर लेंगे गरम करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा चने को मैंने मैश कर लिया है, इससे ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और जो चने हैं वो थोड़े से मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़े से बस चने को मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, इसे मैंने तवे पे भून लिया है हल्का सा और इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, चने और कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो इसे आप ज़रूर ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम पानी। जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेवी के लिए हमेशा गरम पानी का इस्तेमाल करें, इससे जो कलर है सब्जी की वो मेंटेन रहती है और बहुत ही अच्छा इसका ग्रेवी बन करके रेडी होता है। यहाँ पे ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। जितना आपको ग्रेवी पसंद हो उस तरीके से इसमें पानी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है 1 गिलास और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आमचूर का पाउडर 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो खट्टे के लिए अनारदाना का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर मेरी तरह आमचूर का पाउडर ऐड कर दें। थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर छोले में बड़ा बढ़िया लगता है। तो इसे ऐड कर लेने के बाद मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें आमले का भी कट करके ऐड कर सकते हैं खट्टे के लिए। मैंने लिड लगा करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं, ग्रेवी हैं और चने के साथ अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, मैं आपको लिड हटा करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया इसका ग्रेवी बन करके रेडी है और तेल जो है वो ऊपर अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो बस इस स्टेज तक हमें पका लेना है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी मैंने सेमी थिक रखी है, ज़्यादा मैंने सुखाया नहीं है। और अब लास्ट में ऐड कर देंगे गरम मसाले का पाउडर 1/4 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप छोले को प्रिपेयर कर सकते हैं बिना लहसुन और बिना प्याज के, सिंपल स्टेप्स के साथ और सिंपल इंग्रेडिएंट और मसालों के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बनकर के रेडी है। अब इसे एक अच्छा सा तड़का लगा देते हैं। तो मैंने ऐड कर दिया है घी गरम लेडल पे और इसमें ऐड कर दिया है अदरक और हरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा तड़का का फ्लेवर आता है। इसे थोड़ा मैंने ऐड किया है कश्मीरी चिली पाउडर, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको छोले में थोड़ा सा कलर कम लग रहा हो तो इसे ऐड कर लें। तो इस तड़के को हम फटाफट ऐड कर देंगे इस छोले पे, इससे आप देखेंगे कि खुशबू तो बढ़िया आएगी और साथ ही इस छोले की रंगत भी बढ़ जाएगी। तो मैंने इसे ऐड कर दिया है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया ये छोले का कलर आ गया है। तड़का छोले को बहुत ही एक नया फ्लेवर देता है। तो इस तरीके से ये तड़का लगा लेने के बाद मैंने लिड लगा करके 2 मिनट के लिए रख दिया है और फिर 2 मिनट हो जाने के बाद ऊपर से गार्निश कर देंगे हरे धनिए की पत्ती से। तो ये हमारा गर्मा गर्म बिना प्याज और बिना लहसुन का छोला बन करके रेडी है और इसे आप सर्व कर सकते हैं पूरी, पराठा या चावल के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बिना प्याज और बिना लहसुन की छोले की रेसिपी, आप इसे चैन छोला भी बोल सकते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी बिना लहसुन और बिना प्याज की। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको बिना प्याज का छोला कैसा लगा। तो जब मैंने इसे टेस्ट किया तो वाकई बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसमें प्याज और लहसुन नहीं पड़ा है, बहुत ही यमी बना था। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।